हम लोग तो स्टार्टर हैं, आ गए। अब बारी है मेन कोर्स, मेन मील, जिसके लिए आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। अब हमारा चीफ है, मेरा वक्त हो चुका है। अब बुलाते हैं उस शख्सियत को जिसके पास टैलेंट का, अरे रुक, पहले तारीफ कर रहे थे फिर कर लो। ये तो पाजी तुम्हारी टाइमिंग बड़ी खराब है, मुझे लगता है तुम ना 8वें महीने में पैदा हुए हो। इतनी जल्दी नहीं करनी, वो भी आएगी, वो भी बारी आएगी 9वें महीने वाली एग्जैक्ट। अब बुलाते हैं उस शख्सियत को जो सिर्फ अपनी मां का बेटा था, फिर वो पंजाब का पुत्र बना, फिर वो हिंदुस्तान का बेटा बना, और आज उसने वो कारनामा किया है कि हिंदुस्तान में जहां जहां भी हिंदुस्तानी पाए जाते हैं वो उन सबका बेटा बन गया। टैलेंट की भरमार, शब्द कम पड़े क्योंकि शब्द उनके लिए यूज किए जाते हैं जिनको लोग ना जानते हो, कम जानते हो। ये वो शख्सियत है जिसको बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उतना ही प्यार करता है। सो प्लीज वेलकम द लिविंग लेजेंड कपिल शर्मा। रामचरण एंड एनटीआर जस्ट रिवील दैट दे आर ग्रेट फैन ऑफ मी। आप मुझे कहीं मार्केट में शिक्षा नहीं समझ रहे। ऐसे न मुझे तुम देखो, वो बोलो हर हर हर। सच में इतनी प्यारी लगती है, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि हमें तुमसे प्यार है, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। हाउस दीपिका को 10 साल से दीपू दीपू मैं भी देख रहा हूँ। इसीलिए जब कपिल की शादी हो रही थी मैंने कहा बेबी तू और मैं साथ चलेंगे कपिल के साथ। साहब एक बात बताइए, ये कपूर लोगों के पास ऐसी कौन सा च्यवनप्राश है, आप हर साल 2 साल छोटे हो जाते हो। आप ये आदमी च्यवनप्राश है मुझे लगता है कभी कभी। तुम दोनों भी इन्हीं को चाट के आए हो। आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है, आपके विचार मिलते हैं क्या? मेरे को बहुत खुशी मिलती है देख के तेरे को। इस शो को कभी मत छोड़, मैं चाहता हूँ कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊँ, तब तक मैं भी चाहता हूँ कि तू भी बूढ़ा होते हुए आए। जिस तरह से कपिल शर्मा सबको हंसाता है, ये बाप का बेटा नहीं रह गया, ये ना पंजाब का बेटा रह गया, ये देश का बेटा बन गया। Right? Right. If you ever thought, you dream about it, one day I come to your show. Very, very cool and good. You make people laugh and forget all their worries. So you're doing a great job. Thank you, sir. होई दाई मेरा यार।
ਰੱਬਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਨੋ ਦੇ ਦਮ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी सर्दी में रजाइयां छोड़ के यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। जो तो अपनी बीवियों के साथ बैठे थे लोग, उनका तो मैं समझता हूँ, जो किसी और की वाली के साथ बैठे, उफ, आप भी बैठ जाइए भाई साहब, कोई बात नहीं, सारी फोटो हो रहा है इंडियन नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं। जब 40 साल में मुझे इनका नहीं समझ में आया कि ये क्या बोलते हैं, इनको मेरा कहना है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा गाना जरूर गाना, अभी भी है।
ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ उसकी आवाज में जोश था वो मेरे कभी मतलब साथ जन्म में नहीं आ सकता पर आप लोगों की मोहब्बत है उस कलाकार के लिए मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूं उससे उसके लिए उसके गाने की दो लाइनें परदा है परदा
नोटिस करना, ये जो कवालों के साथ आए होते ना, ताली उनकी ऐसे चलती है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, थोड़ी देर में माहौल बन जाता है, फिर लोग पैसे लुटाने लगते हैं, इनकी ताली रिवर्स हो जाती है, फिर पैसे पकड़ते हैं। पर्दा है पर्दा, पर्दा। एक तो मैंने कवाली में देखा एक बंदा ताली अजीब सी तरीके से बजा रहा था ऐसे करके, पर्दा। बाद में पता चला वो कवाली वाला था ही नहीं, सीजन हैवी था तो उनको कवाल मिला नहीं, वो तंदूर पे नान लगाने में ले आए। अच्छा गजल सुनते हुए आप मदमस्त हो जाते हो, आप आंखें बंद कर लेते, कवाली सुनते हुए आप आंखें नहीं बंद कर सकते, कवाल आपको आंखें बंद भी नहीं करने देते, वो देखते रहते हैं कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, जो सो रहा है उसको बड़े भयंकर तरीके से लेते हैं वो, तो माहौल कैसे बनाते हैं पहले वो। आप सबने ये कवाली सुनी होगी, हुए नामवर सो रहा है, नौजवान कैसे कैसे, अच्छा ये खुन्नस वाले भी होते हैं, अगर कोई इनकी कवाली खाते खाते बीच में खाना खाने निकल जाए ना, तो उसको ऐसा डराते हैं ना अपने शब्दों से, अगर आदमी चला गया खाना खाने उसको बुला के बोलते भाई साहब आपके नाम पे दो लाइनें अर्ज की हैं, गुस्सा आ जाता है उनको। याद रख सिकंदर के हौसले भी वाली थे, जब गया था इस जहां से दोनों हाथ ताली पे, बंदा अपनी प्लेट नीचे रख देता है। आप सुना लो महाराज, ये ऐसे में मस्ती ले रहा हूं क्योंकि मेरे को गाने का शौक है और मुझे ये भी पता है कि आपको मुझे सुनने का कोई शौक है नहीं। अच्छा कुछ चीजें होती हैं जैसे हम लोग पैरोडी, मैं अपनी बीवी को जाकर दिखाऊंगा ये देख, ऐसा नहीं कि तू ये प्यार करती है सारी दुनिया कर रही है। तेरे खुशबू बसे मैं जलाता कैसे, प्यार में हुए खत्म मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता जिनको दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा है, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा है, दिन जिनको बेकरार है के नहीं दबा दबा सही, दिल में प्यार है के नहीं झुकी झुकी सी नजर। अपने शो में मैं ये सब नहीं कर पाता हूँ, म्यूजिक के राइट्स होते हैं, लेकिन आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए है। तू अपने दिल की जवाहर गनों को गिनके बता, तू अपने दिल की जवाहर गनों को गिनके
प्यार है के नहीं, झुकी झुकी सी नजरें।